दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ विजय मेहरा और आज हम निकले हैं एक यात्रा पे तुंगनाथ महादेव, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। और इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो और ज़्यादा शेयर कीजिए। और बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाऊंगा और अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करूंगा। और पहला वीडियो तो फंबल हो रहा है, और गलतियों को माफ करिए। चलिए शुरू करते हैं। चोपता है तुंगनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं मेन। अगर आप कुमाऊं से होते हुए जाते हैं तो आप हल्द्वानी से रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, देन कर्णप्रयाग, गोपेश्वर होते हुए चोपता पहुँच सकते हैं। अगर आप गढ़वाल से होकर जाते हैं तो आप ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, देन चोपता पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, टैक्सीज मिल जाएंगी। अगर आपका अपना पर्सनल व्हीकल है तो वेल एंड गुड। यही रास्ते हैं दो मेन जो हैं। बाकी अगर आप अलग अलग हिस्से से रहते हैं तो वहाँ से आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वो आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। जितने भी चाय के चाहने वाले हैं प्लीज शेयर कीजिए, आपको चाय की कसम। अभी हम हैं खैरना में और यहाँ से हमारी जो मंजिल है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि कर्णप्रयाग यहाँ से 201 किलोमीटर है और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रानीखेत वो है यहाँ से 31 किलोमीटर। और यहाँ से आप देख रहे होंगे दो रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है अल्मोड़ा के लिए और एक रानीखेत के लिए। और जो आप ये नीचे नदी देख रहे हैं वो है कोसी नदी। और ये खूबसूरत वादियाँ देखने के बाद दिमाग में एक ही शब्द आ रहा है, वो है धरती पे स्वर्ग, हमारा प्यारा उत्तराखंड। यह है रानीखेत और काफी सुंदर मनमोहक दृश्य रानीखेत का। और ये हमारा आर्मी कंटोनमेंट एरिया है सारा यहाँ पे। जय सर। और रानीखेत से हम निकल चुके हैं द्वाराहाट के लिए और देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ। बहुत ही अच्छी रोड है और मौसम भी ऑसम हो रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ पे लेकिन यहाँ पे लिखा है रानीखेत 19 किलोमीटर और यहाँ का। लेकिन हम रानीखेत नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं द्वाराहाट की ओर और हमें जाना है कर्णप्रयाग, वहाँ से गोपेश्वर, और उसके बाद कल सुबह हम निकलेंगे चोपता तुंगनाथ। यहाँ पे इसलिए रोका क्योंकि व्यू देखिए आप, वाओ बहुत ही खूबसूरत। और हमें लग गई थी प्यास तो हमने लिए पानी की बॉटल, अब पानी पियेंगे उसके बाद आगे की यात्रा चालू रखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अभी हम पहुंच गए चौखुटिया और यहां से पेट्रोल भरवाएंगे और फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। हमारी पेट पूजा तो हो चुकी है, अब बारी है इसकी, यहां से इसको कराएंगे फुल। सफ़र यादों से नहीं, यादें सफ़र से बनती हैं। उम्मीद ख्वाबों से नहीं, ख्वाब उम्मीद से बनते हैं। लोग शहर से नहीं, शहर लोगों से जाने जाते हैं। और अपने काफिलों से नहीं, काफिला अपनों से बनता है। बहुत अच्छा लिखा है किसी ने, पता नहीं किसने लिखा, अच्छी लगी लाइन मैंने रुचि लगती। अभी हम पहुंच चुके हैं गैरसैंण और काफ़ी रोड ख़राब है यहाँ की, बता नहीं सकता आपको। और खूबसूरत सड़क के बाद बहुत ही ख़राब रोड हमें मिली है यहाँ पे, जिसके कारण हमारा कम से कम एक घंटा बर्बाद हो चुका है। तो अभी हम पहुंच गए हैं आदि बद्री और यहाँ से कर्णप्रयाग लगभग 20 किलोमीटर दूर है और पीछे एक वाटरफॉल।
गाइज यह कर्ण पर्याग जिसको कर्ण नगरी भी कहा जाता है महाभारत में आपने देखा होगा और उनके बारे में सुना होगा। धन सिंह के गाड़ी चंबा बजारा धन सिंह की गाड़ी चंबा। 300 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए गोपेश्वर और यहां से कल सुबह निकलेंगे चोपता के लिए, वहां से तुंगनाथ महादेव। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, मज़ा आया और इन्जॉय किया खूब हमने। पहुंच गए हैं गोपेश्वर, रूम ले लिया है, अब खाने की तलाश में बाहर निकले हैं, देखते हैं क्या मिलता खाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आई विल टेक इट एज ए फीडबैक, और क्या चीज़ें अच्छी थी वो भी बताएं। एंड फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा। अपना ध्यान रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।